हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो एक वापस से नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। और फिलहाल गाइस, आज का जो ब्लॉग है, इसमें मैं दिल्ली से बिहार जा रहा हूँ। और हमारी ट्रेन जो है वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, और बारिश की वजह से काफ़ी ट्रेन लेट हो गया था। और फिलहाल मैं अभी सुभाष में पहले गाज में आ गया हूँ कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से मुझे चेंज करना है। यहाँ से मुझे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन जाना है, क्योंकि ओल्ड दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। तो गाज वहाँ जा रहा हूँ, और काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी। और गाज यहाँ पे मेट्रो काफ़ी ज़्यादा अपडेट हुआ है, पहले टोकन लेना पड़ता था बट अब QR स्कैन दे दिया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से दिया है। ये कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन है, ये कहा जाए तो पूरे दिल्ली में सबसे बिजी स्टेशन यही है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बिजी स्टेशन है। एंड यहाँ पे हर जगह पे एलिवेटर्स है, आप देख सकते हो, यहाँ पे पैदल चलना नहीं पड़ता है। काफ़ी नीचे मुझे जाना है, एक बार और मुझे नीचे जाना है, मतलब दो बार नीचे जाना है, ये फर्स्ट है। फिर इसके बाद एक और बार ग्राउंड फ्लोर में जाना पड़ेगा। और देख सकते हो बहुत ज़्यादा एलिवेटर्स है यहाँ पे, यही है कि इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो है। एंड गाइस, जिस मेट्रो स्टेशन पे खाने पीने की भी काफ़ी अच्छी फूड कॉर्नर्स है, आप देख सकते हो फूड ट्रैकर्स भी है, तो यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। और हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे, ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा नीचे है गाइस। इस मेट्रो स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टेशन है, आप देख सकते हो। और इधर में शौचालय आप जा सकते हो, पैसा लेता है, 5-10 रुपया लेता है, बट इसमें जाने देता है। गाइस ये येलो और वायलेट लाइन अंडरलाइन है मेट्रो का, जो ज़मीन के नीचे सबसे ज़्यादा नीचे ज़मीन के यही चलता है, सबसे अंडरलाइन मेट्रो स्टेशन यही है, इससे ज़्यादा अंडरलाइन मेट्रो स्टेशन कोई नहीं है पूरे दिल्ली में। ये येलो लाइन है, काफ़ी ज़्यादा अंडरलाइन है, मतलब 30-35 फीट ज़मीन के नीचे है जाना है। और नेक्स्ट स्टॉप ही चांदनी चौक है। फाइनली गाइस, मैं उतर गया चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से मुझे एग्जिट करना, और फिर इसके बाद मुझे थोड़ा दूर पैदल चलना पड़ेगा, तो लिफ्ट ले लेते हैं यहाँ। सो फाइनली गाइस, मुझे यहाँ से एग्जिट करना है और फिर बाहर जाना है, तो यहाँ से एग्जिट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये पूरा का पूरा चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है। 2-3 दिनों से गाइस दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, जैसा कि आप न्यूज भी देखे होंगे, और काफ़ी सारी ट्रेनें कैंसिल हुई है, बट मेरी ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है, तो ये एक अच्छी बात है। तो गाइस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास ही आया हूँ, हालांकि मुझे तो लगा था कि दूर चलना पड़ेगा पैदल, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। देख सकते हो ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो गाइस, काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत है ये रेलवे स्टेशन, और काफ़ी बड़ी भी है, वहाँ तक आपको दिख रहा होगा शायद, आपको घूम करके दिखा रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक है, तो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बड़ी भी है। ये एग्ज़िट गेट है और उधर से इंटर है, तो यहाँ तो इंडिया में तो इंटर और एग्ज़िट दोनों एक ही रहता है, जिधर से मन करता है उधर से चलाते हैं। पहले गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी है और ब्यूटिफिकेशन काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और धूप भी है तो सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, मीडियम है, तो बस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बस आँखों को फोकस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी, ये देख सकते हो काफ़ी अच्छी ग्रीनरी, जो ब्यूटिफिकेशन काफ़ी नेक्स्ट लेवल की ब्यूटिफिकेशन है। और यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है, और केला वेला के तरह हर चीज़ लगाया है, मतलब काफ़ी अच्छी ज़्यादा ग्रीनरी है, ब्यूटिफिकेशन अच्छी की गई है, और काफ़ी क्लीन भी है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी है। गाइज, मेरा जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे है, और मैं अभी 10 प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पे हूँ। सो गाइज, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन है, मुझे पता नहीं कौन सा ट्रेन है, और मेरा जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे है।
शायद प्लेटफॉर्म में तो शायद गाड़ी आ चुकी है, मैं ही थोड़ा सा लेट हो गया गाइस। मुझे बस जस्ट जाना है, 4:35 का मेरा ट्रेन है और 4:35 की ट्रेन है, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे हूँ और 15-16 यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर तो दो भी मैंने भी होता है, 15-16 में एक ही साथ रहता है, मतलब एक तो एक साथ रहता है इस तरह से कुछ रहता है। तो यहाँ पे मैं और देख सकते हो धूप भी है काफ़ी, सुबह से मौसम सही था और धूप आ गई है, आप देख सकते हो भीड़ भाड़ अलग है, भीड़ भाड़ उतना नहीं है। एंड गाइस ये मैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आ गया हूँ और यहाँ पे मेरी ट्रेन खड़ी है, मुझे अब इसमें बैठना है। गाइस मैं 2 बार ट्रेन के आगे गया, ट्रेन के पीछे आया, क्योंकि 2 बार चक्कर पूरा राउंड लगाया, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सीट नंबर किधर है। फिर इसके बाद मुझे PNR स्टेटस चेक करना पड़ा, इसके बाद मुझे ट्रेन नंबर मिला, तो ट्रेन का जो बोगी नंबर होता है ना वो मुझे पता चला, तो इस तरह से मुझे BA7 पता चला। इसके बाद मैं यहाँ पर आया और इसके बाद सीट मेरा मिला, जो कि कन्फर्म टिकट था, बट टिकट काटते समय ना मैं ध्यान नहीं दिया था, तो उसमें स्लिप स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो उस समय कोच नंबर कन्फर्म नहीं हुआ था, इस वजह से ऐसा। इस ट्रेन की टाइमिंग है 4:35, बट अभी 4:42 हो रहा है, अभी तक ट्रेन खुला नहीं, तो शायद ऐसा लग रहा है कि ट्रेन लेट है, कोई बात नहीं। चलो गाइस ट्रेन में मिलते हैं। यहाँ पे टीटी आ गया ट्रेन टिकट चेक करने के लिए, मेरा ये टिकट चेक कर रहा है और कुछ इस तरह से सनलाइट आ रहा है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है फेस को। गाइस दिल्ली का आज मेरा आखिरी दिन था और दिल्ली का सफ़र ख़त्म हुआ, अब मिलते हैं बिहार में। गाइस ये जमुना नदी काफ़ी ज़्यादा पानी इधर के तो में भी सब जगह पानी वानी हो गया। गाइस अब जो हमारी ट्रेन है जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड चलने लगी है और स्पीड अच्छी खासी पकड़ ली है, पहले इस ट्रेन का काफ़ी ज़्यादा स्लो था एंड सनसेट होने वाला है, सनसेट का टाइम आ गया है। सनसेट अभी वैसे गर्मी है तो कुछ लेट ही होता है, सनसेट होता है लेट ही होता है, 6-7 बज रहा है, 7 बज रहा है, कुछ इस तरह से सनसेट व्यू दिख रहा है जो आप देख सकते हो, और कुछ इस तरह से व्यू है। अभी हम UP में एंटर कर गए हैं। ये रहा मेरा सिम था और यहाँ पे लाइटनिंग पोर्ट चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज होने के बाद इंडिकेट करता है, बट ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, शायद ये नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये वर्किंग है। और यहाँ पे कपड़ा यहाँ से कुछ मिला है मुझे रेलवे की तरफ से, ये कुछ बेडशीट है और ये कंबल मैं घर से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम हो गया है तो मुझे रास्ते में ठंड लगेगी, इस वजह से काफ़ी जल्दी सभी लोग सो गए हैं तो मुझे भी सोना चाहिए, मेरा सब सर्दी जुकाम थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, इस वजह से मैं भी सो जा रहा हूँ। हालांकि खाना वाना नहीं खाया हूँ, खाना वाना खा लूँगा बाद में, बट अभी थोड़ा सा मतलब शरीर थोड़ा सा अलग सा टाइप का लग रहा है, मतलब अजीब सा फील हो रहा था, इस वजह से मैं खाना थोड़ा देर बाद खाऊँगा, पहले रिश्ते वस्तर कर सकता हूँ फिर इसके बाद। 13 घंटे के जर्नी की पूरी वाले बाद गोरखपुर जंक्शन पे और मेरे पास आ गया चाय तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होना है, तो मैं बस ऐसे जस्ट में सो ही रहा था तो चाय वाला आ गया, चाय वाला पी लिया, लगभग सारे लोग ट्रेन के उठ चुके हैं, सुबह हो चुकी है, सारे के सारे लोग उठ चुके हैं, मैं ही थोड़ा सा लेट उठ रहा था। और अभी गोरखपुर जंक्शन ये बाथरूम है कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पे बेसिंग है, तो यहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो, बेसिंग कुछ इस तरह से है। गाइस मुझे अभी 4-5 घंटे अभी और चाहिए, 4-5 घंटे मेरे डेस्टिनेशन आ जाएंगे, नहीं होना चाहिए ये अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं करता है, परमिशन तो खराब हो जाता है।
वेलकम टू बिहार। मैं फिलहाल अभी मुजफ्फरपुर जंक्शन पे हूँ, आप देख सकते हो। और यहाँ से मुझे रिक्शा पकड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद रिक्शा से मुझे जाना पड़ेगा। ये मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट था, तो यहाँ से मैं एग्ज़िट किया हूँ, यहाँ से उतरा हूँ। ये मेरा लास्ट स्टॉप था, और इसके बाद यहाँ से ज़्यादा अगर ट्रेन नहीं जाती है तो मुझे रिक्शा से जाना पड़ेगा, रिक्शा या बस लेना पड़ेगा, और मुझे दो तीन जगह पे एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये देख सकते हो मेरे घर तक जाने का, मतलब मेरे गांव में जाने तक का ये रास्ता है। तो इसके बाद मेरा मतलब गांव स्टार्ट हो जाता है, और देख सकते हो रोड साइड वाइड में मतलब खेती वेती कुछ अच्छे से हो रही है, धान वान की खेती ज़्यादा हो रही है। अब जिधर भी देखो उधर धान की खेती हो रही है, तो अभी खेती वेती सीज़न हो रहा है, सीज़न है धान की, सीज़न है, तो इस वजह से धान की खेती हो रही है। और मेरा घर यहाँ से बस थोड़ा ही दूर आ गया है। गाइज मैं अपने गांव में आ गया हूं, और देख सकते हो मेरे गांव का, ये गांव का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, और कुछ इस तरह से मेरा गांव है, अब देख सकते हो। और गांव में ज़्यादा वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, बस ऐसे गांव में वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, सब गलत सोचते हैं, इस वजह से मैं गांव में वीडियो बना। सड़कें वर्कें भी अच्छी नहीं है अभी तक, पहले सही था, और पानी वानी ज़्यादा आता है, इस वजह से यहाँ के सड़कें वर्कें टूट गए, और कुछ इस तरह से गाँव दिख रहा है। इस वीडियो और ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।